हेलो दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक की जी के अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम 1560 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें रोज़ाना के 20 क्वेश्चन कराएंगे, तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना है। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी, और राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी, ये भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आप अनदेखा नहीं करें और ध्यान से पढ़ लो, आपका काम तो बन जाएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो राइट आंसर हो गया लेमार्क, जो फ्रांस का था, एवं ट्रेविरेनस, जो जर्मनी ने, इन दोनों ने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था? तो लेमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो गया हिपोक्रेटस। और आपको बताइए, चिकित्सक को हमेशा हिपोक्रेटस नाम के वैज्ञानिक की शपथ दिलाई जाती है हमेशा, और चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन हो गया? हिपोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो गया थियोप्रेस्टस। थियोप्रेस्टर वनस्पति विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेओ लेवोजियर रसायन विज्ञान का जनक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, मानव विकास और इतिहास या परंपराओं से संबंधित, पुराने टाइम से संबंधित, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था, यानी किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था? तो जॉन्स केपलर ने किया था। किताबों केपलर मिलेगा आपको, केपलर भी याद रखते हो आप, तो पूरा नाम इस क्या है, जॉन्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया गया है, ये किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी आइंस्टीन ने दिया था। चलो आगे चलते हैं, आज के 11वें क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज की थी? तो गैलीलियो ने की थी जड़त्व के नियम की खोज। तो जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए प्रतिपादक कौन था, यानी किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलो अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सेल्कियान का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था। चलो आगे चलते हैं, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक है। चलो आगे चलते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? तो सर्वप्रथम मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए, आनुवंशिकी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के सिद्धांत को आनुवंशिकी कहा था, ये किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था, डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी कहा था, आनुवंशिक सिद्धांत को, आनुवंशिकी विज्ञान को। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम में होता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जाके, और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा लें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान पुलिस के नोट्स भी आपको इसमें उपलब्ध हो जाएंगे ट्रिकी जीके अड्डा में, और साइंस की ट्रिकी जीके भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, इंडिया जीके के ट्रिकी जीके भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आपको ये पसंद है चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।